हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लेजी लोड का यूज करना सीखेंगे। अगर आपकी साइट हेवी है, उसमें ज़्यादा इमेजेज यूज करते हो तो आपकी साइट के स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है, तो आप लेजी लोड का यूज करके अपने साइट के स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो। अगर मान लो कि आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा इमेजेज है तो आपकी साइट इस तरह से दिखेगी। इमेज लोड होने में बहुत टाइम लगाएगा, तो आप इसके लिए आप लेजी लोड का यूज करोगे, जिससे आपकी साइट की स्पीड इंप्रूव होगी। जब जैसे आपका व्यू पोर्ट में इमेजेज आएगी तब वो डिस्प्ले होगा, उससे पहले आपका इमेज लोड नहीं होगा, तो इससे आपकी साइट की स्पीड बनी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ से प्लगइन्स में जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और जो हमने प्लगइन यूज करना है उसका नाम है A3 लेजी लोड। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। इससे पहले मैं अपने ब्लॉग पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ से तब तक मैं A3 लेजी लोड को इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे अभी लेजी लोड नहीं लगा हुआ है, तो अपने इस वेबसाइट में लेजी लोड लगाएंगे। तो यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है फ्रेंड्स, इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगेगा। ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आप इसकी सेटिंग भी चेक कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही इसका बहुत अच्छा है। आप कुछ भी नहीं करोगे तभी भी ये अच्छे से वर्क करेगा। तो पहले मैं इसे एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये लेजी लोड वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो कि लोडिंग आइकन भी आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ पोस्ट वन पे, तो आप देखोगे कि ये जितने सारे इमेजेस है लेजी लोड के साथ लोड हो रहे हैं। जब व्यू पोर्ट में यहाँ दिखता है इमेजेस तभी भी ये लोड करता है। इसकी सेटिंग कुछ देख लेते हैं। इस पे सेटिंग पे मैं क्लिक करूँगा तो जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही अच्छा है, लेकिन आप इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ लेजी लोड इनेबल है, यहाँ पे लेजी लोड इमेज में आप देख सकते हो इमेज कंटेंट, इमेज इन विजेट, पोस्ट थंबनेल, ग्रेवेटर। आप जहाँ पे अगर मान लो कि आपको पोस्ट थंबनेल में ऑफ कर देना है, तो मैं इसे ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब लेजी लोड वर्क नहीं करेगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लेजी लोड नहीं वर्क कर रहा है। तो आप इसका इस तरह से अलग अलग पेजों पे लेजी लोड ऑन ऑफ कर सकते हो, अगर आपको जिस पेज पे नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर किसी इमेज को छोड़ना चाहते हो तो अगर उसे क्लास का नाम कॉमा के साथ आपको देना होगा, उस इमेज पे लेजी लोड वर्क नहीं करेगा। इसी तरह वीडियो आई फ्रेम पे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और किसी खास यूआरएल पे लेजी लोड इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे यूआरएल आप दे सकते हो। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ लेजी लोड वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, शायद हमने सेव नहीं किया है। इसे एक बार सेव कर लेते हैं उसके बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क कर। अब हमें किसी खास यूआरएल पे एक हटाना है, तो इसमें प्रत्येक रो में एक यूआरएल देना है, तो मैं किसी एक पोस्ट का यूआरएल यहाँ पे मैं दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लेजी लोड है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस पे अब ये लेजी लोड वर्क नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो इस सेव हो जाने के बाद एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये लेजी लोड वर्क नहीं कर रहा है, जब पहले लेजी लोड इस पे वर्क कर रहा था फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक बार में ही लोड हो रहा है।
आप चाहे तो यहाँ पे नेटवर्क्स में भी आप जाके देख सकते हैं। इंस्पेक्ट किया, यहाँ पे नेटवर्क्स में गया और नेटवर्क्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेजेस दिख रही होगी, इमेजेस। और यहाँ से मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो आप देख सकते हो ये सारा इमेजेस लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसी को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा, देखिए फ्रेंड्स ये इमेज आ गया, दूसरी इमेज आ गई, अब इससे पहले ये लोड नहीं हुआ, तीसरी इमेज आ गई। आप इस तरह से भी लेजी लोड का चेक कर सकते हो, जब व्यू पोर्ट में आएगा तो ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप देख सकते हो इसको लोड करना है। अगर आप किसी पेज पे, होम पेज पे आप ऑफ करना चाहते हो, फ्रंट पेज पे, पोस्ट पेज पे या पेज पे, तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, हटाना है लेजी लोड। तो इसी तरह आप यहाँ पे फुटर में स्क्रिप्ट को इनक्यू कराया गया है, इसे इसी तरह रहने दे क्योंकि ये फुटर में रहेगा तो ये लोड बाद में होगा, तो आपके लिए ही अच्छा होगा सबसे बाद में, ताकि पहले पेज फास्ट लोड हो। यहाँ से टेम्पलेट पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से आप चाहे तो इफेक्ट चेंज कर सकते हो। अभी स्पिनर वाला जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि स्पिनर वाला इफेक्ट आ रहा है। देखिए ये स्पिनर वाला, ये स्पिनर इफेक्ट है। आप चाहे तो कोई और इफेक्ट, फेड इन इफेक्ट लगा सकते हो इस तरह से। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये फेड इन का इफेक्ट आएगा। अब ये स्पिनर इफेक्ट हट चुका है, लेकिन मुझे ये डिफॉल्ट स्पिनर वाला ही अच्छा लगता है तो मैं स्पिनर ही रहने देता हूँ। यहाँ अगर लोडिंग बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर चेक चेंज बैकग्राउंड चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हो। इसी तरह आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो इसके पिक्सल, जितना पिक्सल पे हो जाए उससे पहले ये लोड हो जाए, इस तरह से आप कर सकते हो। इसको मैं फिलहाल सेव सेटिंग कर लेता हूँ, इसका जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है वही अच्छा है। अगर आप चाहो तो इसमें कस्टमाइज कर सकते हो, जो मैंने आपको कुछ जरूरी की चीजें थी वो मैंने बता दी। देखिए फ्रेंड्स ये बैकग्राउंड हमने जो लगाया था प्लेस होल्डर के बगल में आपको दिख रहा है जो हमने यहाँ पे, आप कोई और बैकग्राउंड चाहे तो यहाँ सेट कर सकते हो, या डिफॉल्ट रखना है तो डिफॉल्ट वाला ये वाइट है, आप कोई और चूज करना चाहे तो भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप लेजी लोड का यूज कर सकते हो। अगर देखिए फ्रेंड्स ये इमेज लोड नहीं हुआ, अगर बहुत ज्यादा इमेज होता है तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।